हनी ट्रैप के एक मामले में क्राइम ब्रांच 48 की टीम ने तिगांव में एक दुकानदार के पास से एक युवती को 50,000 रुपए के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। युवती दुकानदार को ब्लैकमेल करके 1,00,000 रुपए पहले भी ले चुकी है और युवती ने दुकानदार से 3,00,000 रुपए की मांग की थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के फरीदाबाद में हनी ट्रैप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने पहले एक दुकानदार को अपने जाल में फंसाया, फिर उसे होटल में लेकर गई और उसके साथ संबंध बनाए, फिर शुरू हुआ दुकानदार के साथ ब्लैकमेलिंग का खेल। लड़की ने अपने शिकार से 3,00,000 रुपए की मांग कर डाली, पैसा ना देने पर बलात्कार का केस दर्ज कराने की धमकी दी और 1,00,000 रुपए वसूल भी लिए। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, लड़की बाकी बचे 2,00,000 रुपए के लिए बार बार दुकानदार को धमकाती रही। परेशान होकर वो दुकानदार पुलिस के पास पहुंचा और आप बीती सुनाई। पुलिस ने जाल बिछाया और उस लड़की को 50,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पीड़ित दुकानदार फरीदाबाद के तिगांव का रहने वाला है, वो कूलर की दुकान चलाता है, उसकी दुकान पर 2 कर्मचारी भी हैं। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि एक दिन उनकी गैर मौजूदगी में एक लड़की दुकान पर आई और कर्मचारियों से विजिटिंग कार्ड लेकर गई। कुछ दिन बाद उसने कूलर लेने के बहाने फोन किया और रेट पूछे। लड़की ने अपना नाम सुरभि नाम बताया था। 4 मार्च को उसने दुकानदार से मिलने की इच्छा जताई। दुकानदार को मिलने के लिए सेक्टर 64 बुलाया। दुकानदार वहां जा पहुंचा, लड़की ने उसे ओयो होटल में चलने को कहा। उसने लड़की की बात मान ली। दोनों ओयो होटल में गए, जहां दोनों ने संबंध बनाए। अगले दिन 5 मार्च की सुबह उस लड़की ने दुकानदार को फोन किया और अनर्गल बातें करना शुरू कर दी। फिर वो दुकानदार से मिलने दुकान पर आ गई और 3,00,000 रुपए मांगने लगी। ऐसा न करने पर दुकानदार के अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी भी देने लगी। दुकानदार लड़की के झांसे में आ गया। उसने डरकर 21 मार्च की शाम लगभग 3:15 पर लड़की को 1,00,000 रुपए दे दिए। लेकिन इसके बाद भी लड़की ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, वो 2,00,000 रुपए मांगती रही। न देने पर रेप का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देती रही। लड़की 7 अप्रैल को फिर से दुकानदार के पास जा पहुंची। दुकानदार ने बदनामी के डर से उसे 50,000 रुपए और देने की हामी भर दी। फिर दुकानदार ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। इस मामले में सेक्टर 48 CIA को कार्रवाई के आदेश मिले। आदेश के बाद ब्रांच के सब इंस्पेक्टर सतबीर, ASI नरेश व महिला सिपाही की एक टीम बनाई गई। पुलिस ने जाल बिछाकर व्यापारी को 50,000 रुपए हस्ताक्षर करके युवती को देने के लिए तैयार करा लिए। दुकानदार ने कॉल कर युवती को अपनी दुकान के पास बुलाया और पैसे दे दिए। जैसे कि दुकानदार ने युवती को 50,000 रुपए थमाए, तभी पुलिस की टीम ने युवती को रंगे हाथ काबू कर लिया। उसके पास से 50,000 रुपए भी बरामद कर लिए गए। पकड़ी गई युवती बल्लभगढ़ क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है। पुलिस की टीम उससे पूछताछ कर रही है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्या मामला हनी ट्रैप में एक महिला को गिरफ्तार किया है? हाँ, जो महिला है सेक्टर 3 की रहने वाली है, वो एक दुकानदार जो किसी गांव का है, उसको जो है प्रेम जाल में अपने में फंसा करके और उससे लगातार संबंध में थी, जो सहमति से संबंध बनाए हैं, उसके पश्चात जो है उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, धमकियाँ देनी शुरू कर दी और 1,00,000 रुपये उसने जो है स्वीकार किया पहले प्राप्त करना और आज 50,000 रुपये के साथ वो लड़की रंगे हाथों हमारी टीम के द्वारा काबू की गई है और अभी इसमें अभी अंकित किया गया तिगांव पुलिस स्टेशन में और पत्ती से जारी है। 1,00,000 रुपये पहले ले चुकी है महिला? हाँ, 1,00,000 रुपये उसने पहले ले चुकी है, आरोप थे स्वीकार भी किया अभी तक इसमें, जो कि कामर की गई प्रक्रिया सारी है। कितने दिन से ब्लैकमेल कर रही थी लड़के को? ये करीब 40 दिन से इसको ब्लैकमेल कर रही थी और इसके लगातार संपर्क में है। क्या करता है जो लड़का है? ये दुकानदार है तिगांव में, जिसके अपने इलेक्ट्रिकल्स की जो दुकान है। तो महिला क्या करती है? महिला की अभी जो पढ़ाई छुट्टी हुई, पढ़ाई करने के बाद जो कोई जो थी वो छुट गई थी। मैरिड है? मैरिड है, अभी मैरिड है। तो अभी पेश करेंगे कोर्ट में आज? हाँ जी, इसको अभी 25 तारीख जल्दी इसको। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।